दुनिया का इकलौता इंटरनेशनल क्रिकेटर जिसे हुई थी फांसी की सजा, किया था ऐसा घिनौना काम। दोस्तों, क्रिकेट के खेल में क्रिकेटरों का विवादों से नाता बहुत पुराना है। अगर क्रिकेट के इतिहास पर नज़र दौड़ाएं तो पाएंगे कि कई ऐसे क्रिकेटर हुए जिन्हें मैदान पर अनुशासनहीनता के आरोप में सजा मिली। कई क्रिकेटर मैच फिक्सिंग में फंसे और जेल तक गए तो कईयों पर आजीवन क्रिकेट खेलने पर बैन लगा दिया गया। लेकिन एक क्रिकेटर ऐसा था जिसे उसके घिनौने काम के लिए सजा के तौर पर फांसी पर लटकाया गया। दोस्तों, मामला साल 1955 का है, जब वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज लेस्ली हिल्टन को फांसी दे दी गई। उस वक्त पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेस्ली हिल्टन उस समय क्रिकेट की दुनिया का उभरता सितारा था। इससे पहले और ना ही इसके बाद किसी भी क्रिकेटर को इस तरह की सजा दी गई। बताया जाता है कि लेस्ली को अपनी पत्नी की हत्या करने का दोषी पाया गया था, लिहाजा उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। दोस्तों, उस वक्त लेस्ली हिल्टन की आग उगलती गेंदों का किसी भी बल्लेबाज के पास जवाब नहीं होता था, इसलिए उसे उस वक्त रफ्तार का बादशाह भी कहा गया था। लेस्ली हिल्टन ने 1935 से 1939 के बीच अपने देश के लिए 6 टेस्ट मैच खेले और 19 विकेट लिए। इस दौरान उनका एवरेज 26.12 रहा। बताया जाता है कि हिल्टन ने बेवफाई के चलते अपनी पत्नी की हत्या की थी। उनकी वाइफ का नाम लर्निन रोज था, जो कि जमैका के एक पुलिस अधिकारी की बेटी थी। 1935 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करने के बाद हिल्टन की मुलाकात लर्निन से हुई थी और दोनों में प्यार हो गया। साल 1942 में दोनों ने शादी कर ली। इनका एक बेटा भी था। लगभग 7 सालों तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन 1954 में हालात खराब हो गए। अपने ड्रेस मेकिंग बिजनेस का बहाना लेकर लर्निन अक्सर न्यूयॉर्क जाने लगी। इसी साल हिल्टन को एक गुमनाम चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था कि उनकी बीवी के ब्रुकलिन एवेन्यू में रहने वाले रॉय फ्रांसिस से नाजायज रिश्ते हैं। पत्नी के अफेयर का पता लगने के बाद हिल्टन ने तुरंत ही लर्निन को अमेरिका से वापस बुलाया। दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होने लगी। पहले तो लर्निन ने इस रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया। बाद में सब सच सामने आया तो लर्निन ने खुलेआम अपने अवैध संबंधों की बात कबूली। लेस्ली हिल्टन तब तक गुस्से में पागल हो चुके थे। वह खिड़की पर रखी बंदूक लेने के लिए लपके। कोर्ट में अपनी सफाई में हिल्टन ने कहा कि उन्होंने खुद को गोली मारने की कोशिश की थी, जो गलती से उसकी वाइफ को लग गई। लेकिन यह दलील कोर्ट में बेईमानी रही, क्योंकि लर्निन की बॉडी में 7 गोलियां दागी गई थी। लेस्ली हिल्टन ने कोर्ट में अपने बचाव के लिए कई दलीलें दी, लेकिन कोर्ट ने उनकी सारी दलीलों को दरकिनार कर दोषी माना, क्योंकि लर्निन की बॉडी में 7 गोलियां लगी थी। 20 अक्टूबर 1954 को उन्हें लर्निन के मर्डर का दोषी पाया। दोस्तों, 17 मई साल 1955 को फांसी के लिए तारीख तय हुई। ये वो दिन था जब ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच कैसिंगटन ओवल मैदान पर ही टेस्ट मैच खेला जा रहा था। मैदान पर कई ऐसे लोग पहुंचे थे जो चाहते थे कि हिल्टन को माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि वहां एक बैनर दिखाई दिया था। इस पर लिखा था, सेव हिल्टन, सेव हिल्टन। लेकिन सभी प्रयास विफल हुए और हिल्टन नहीं बचाए जा सके। अंततः उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। दोस्तों, ये कहानी थी लेस्ली हिल्टन की, जिन्हें पत्नी की हत्या के जुर्म में फांसी दी गई थी। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।